अमरूद का पौधा तो लगभग हर टेरेस गार्डनर अपने उस पर छत पे उगाता है या अपने गार्डन में उगाता है, लेकिन अमरूद के पौधे में बरसात के मौसम में कीड़ा लग जाता है या फिर फल नहीं बनता या फल उस साइज का नहीं बन पाता जो हमको मार्केट में मिलता है। देखिए इस अमरूद के पौधे पर मेरे खूब अमरूद लगे हुए और इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है। नॉर्मली बरसात के मौसम में देखा होगा कीड़ा लग जाता है, तो ऐसा क्या किया मैंने कि अब की बार अमरूद के मेरे फलों में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है। सबसे पहले तो अमरूद जब छोटे साइज का होता है, यानी जब कंचा के साइज का होता है, छोटा सा मतलब फूल आकर वो बनने लग जाता है, उस वक्त उसमें कीड़ा लगता है। कोई भी मक्खी होती है, जो ये मक्खी अंडा दे देती है, तो उसका जो लार्वा होता है वो कीड़ा होता है। तो ये मक्खी क्या करती है, छोटे साइज में जब हमारी कंचा के बराबर हार्डली 10 mm के बराबर का साइज होता है, उस वक्त यह अंडा दे देती है। उस वक्त हमको क्या करना है, उस वक्त किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर करना है। और यहाँ मैं बात करूँगा इंसेक्टिसाइड होममेड प्योर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की, क्योंकि यदि केमिकल खाना तो हम मार्केट से खा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, उस वक्त नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते को पानी के अंदर उबाल कर उसको ठंडा कर लीजिए और उसके बाद उसका स्प्रे कीजिए। उसका स्प्रे यदि आप करेंगे 2 या 3 बार कर देंगे, जैसे मैंने अब की बार ये 2 बार स्प्रे किया था, बिल्कुल एक भी अमरूद में कीड़ा आज तक नहीं मिला है। देखिए ये अमरूद अभी अभी हमने हार्वेस्ट किए हैं और अभी और हार्वेस्ट कर रहे हैं। ले पकड़ कर दे इसने, रुक जाइए, रुक जाइए, दिखाई दे, चुप ले चक्कू दे, इन्हें रख दे अब मिनट में ला। था चाकू चश्मे ने उतार के धर लिया, ये नुकर का काटी है, नो नो नीचे से ऊपर काटा जाता है। रुक जा, अभी इसकी कटिंग करके देखते हैं, देखते हैं। देखिए बिल्कुल भी कीड़ा नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी एकदम से तरोताजा है और वो भी प्योर ऑर्गेनिक है। तो इतने तरोताज़ा फल लेने के लिए मैंने क्या किया है, इतने बिल्कुल कीड़ा रहित फल लेने के लिए, देखिए सबसे पहले अमरूद छोटे साइज का होता है, मतलब फ्लावरिंग के टाइम में होता है, उस वक्त इसका प्रयोग करते रहिए। देखिए ये सागरी का है, इफ्को कंपनी की, ये समुद्री घास का वो लिक्विड होता है, ये बहुत ही मल्टी न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। हर 25-30 दिन में, मतलब महीने में कह सकते हैं, इसका स्प्रे जरूर कीजिए। ये इसको मिट्टी में पानी के अंदर भी दे सकते हैं और स्प्रे के लिए हम 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका बड़े आराम से 1 महीने के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही वो होता है। और अमरूद के पौधे में फंगस से बचाने के लिए कोई भी फंगीसाइड का यूज़ कीजिए। देखिए जैसे ये फंगीसाइड है ट्राइकोडर्मा, सबसे बेस्ट होता है, इट इज़ बायो फंगीसाइड होता है। हम कीड़े के बारे में बात कर रहे थे, तो कीड़े के लिए देखिए नीम के पत्तों को बॉयल करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसको मिट्टी में भी हम थोड़ा पानी के साथ मिलाकर दे देंगे तो वो मिट्टी के भी कीड़े मर जाएंगे और ऊपर से जो फ्लाई वगैरह आती है वो भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी कीड़ा नहीं होगा। और हम पत्तों की बजाय नीम ऑयल, नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर में 5 ml मिलाकर उसका स्प्रे करते रहे, हर 10-15 दिन में 20 दिन में करते रहेंगे, बिल्कुल भी हमारे उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा अपने गार्डन में ऑर्गेनिक उगाइए। ऑर्गेनिक में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या बेस्ट होती है पत्तों की बनी हुई खाद,
लिप मोल्ड कंपोस्ट उसको प्रयोग कीजिए और एंजाइम बनाइए, एंजाइम को खुद प्रयोग कीजिए। देखिए ये मैंने एंजाइम बना रखा है, एंजाइम का एक लीटर पानी में 5 ml का, इसमें हर 15-20 दिन के अंदर स्प्रे कर देंगे। ये भी मल्टी न्यूट्रिएंट होता है और हमारे पौधों को, हमारे फल साइज को ज़बरदस्त ग्रोथ देता है और इसमें ज़बरदस्त मिठास है। देखो आप ये मेरे फ्रूट का साइज देख सकते हो, ये कितने बड़े बड़े अमरूद के फ्रूट लगे हैं, बिल्कुल मार्केट के साइज के हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मैं खत्री गार्डन में अलग अलग जानकारियाँ देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।